हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैट बी और बीईटी में डिफरेंस क्या है। कई सारे लोगों के पास ये क्वेरी आ रही थी तो मैंने इस पर वीडियो बनाना बेहतर समझा। मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर गैट बी और बीईटी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ गैट बी एंड व्हाट इज़ बीईटी एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है चीज़ें, तो चलिए उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ लाइक गैट बी क्या है। गैट का मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है गैट बी 2021 के लिए। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू टेस्ट एलिजिबिलिटी फॉर या टू एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप ये एग्ज़ाम देके अपियर हो सकते हैं। दैट इज़ लाइक अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप बैचलर डिग्री लेके इस एग्ज़ाम को अपियर करिए, और जो भी DBT स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आप जैसे कि MSc बायोटेक्नोलॉजी, ये पोस्ट DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MSc बायोटेक्नोलॉजी, या MTech बायोटेक्नोलॉजी, या MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, या MVSc वेटनरी साइंस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ें हैं ये आप पा सकते हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप MSc पास आउट हैं, MTech पास आउट है, तो आपको गैट भी नहीं देना, आपको BET देना है, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम उस पर भी बात करेंगे, पहले हम गैट बी के ऊपर बात कर रहे हैं। नाउ लाइक गैट बी दैट इट इज़ अ स्कोर वैलिड फॉर, लाइक इसका जो स्कोर है इट इज़ वैलिड फॉर द एडमिशन अबव मेंशन कोर्सेज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-2022 ओनली। मतलब ये जो एकेडमिक ईयर है इसी ईयर के एडमिशन के लिए जो है वो वैलिड रहेगा इस टाइम के लिए। एंड कॉल फॉर एडमिशन फॉर गैट बी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एडवर्टाइज्ड सेपरेटली बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एज फॉर इंस्टीट्यूशनल एडमिशंस एंड सेलेक्शन नॉर्म्स। ये जो है एडमिशन के लिए बुलाया जाना ये सब इंस्टीट्यूट डिसाइड करेंगे लेटर ऑन किस तरीके से चलना है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, RCB एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विल नॉट प्ले एनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिशन एंड सेलेक्शन प्रोसेस। इनका एडमिशन और सेलेक्शन प्रोसेस में कोई रोल नहीं है, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के रोल के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। एंड एनी डिस्प्यूट्स अराइजिंग विल बी सब्जेक्ट टू दिल्ली, कहते हैं दिल्ली ज्यूरिडिक्शन ओनली। यहाँ पे जो है कि अगर कुछ दिक्कत होता है तो दिल्ली में जो है आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स जो हैं आप इसी पर्टिकुलर एडमिशन ब्रोशर में है, एनेक्सेस 2 में। इसके अलावा जो है मेरिट लिस्ट जो जनरेट की जाएगी, कॉल फॉर एडमिशन या गैट बी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एडवर्टाइज्ड बट सेपरेटली बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज एज पर इंस्टीट्यूशनल एडमिशन नॉर्म्स। जो भी इंस्टीट्यूशन के एडमिशन नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सेपरेटली दिखाया जाएगा कि ये इतने से इतने गैट बी स्कोर के स्टूडेंट्स को ले रहे हैं और MSc या MTech एडमिशन के लिए पाए जाते हैं, जैसा कि बताया गया था। तो ये गैट बी है। अल्टीमेटली गैट बी को सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इसमें आप जो है इस एग्ज़ाम को तब अपीयर करिए जब आपको MSc, MTech या MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी या MVSc में आपको एडमिशन लेना है, इसमें एडमिशन लेना है तो आप गैट बी को अपीयर करिए। अगर अब बात करते हैं दैट लाइक कि अगर आपको जो है DBT के ऊपर चलते हैं, ध्यान रखिएगा DBT ये मतलब BET का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब है BET में बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट BET। BET जो है इस पर्टिकुलर अगर BET के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा BET जो है एक नेशनल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि DBT जूनियर रिसर्च फेलोशिप को स्पॉन्सर करती है, डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप अंडर द DBT JRF स्कीम। DBT का एक JRF प्रोग्राम है, उसके थ्रू आपको JRF यानी फेलोशिप मिलती है ताकि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में PhD प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ BET दो तरीके की कैटेगरी लिस्ट डिसाइडेड होती है, Category 1 एंड Category 2। Category 1 और Category 2 दो अलग अलग लिस्ट होते हैं। Category 1 वाले जो होते हैं दैट शॉर्ट लिस्टेड अंडर द Category 1 शैल बी एलिजिबल टू अवेल द फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आप फेलोशिप पा सकते हैं अगर आप Category 1 में सेलेक्टेड हैं तो। वेयर एज Category 2 अगर आप जो है, वेयर एज द कैंडिडेट रजिस्टर फॉर PhD प्रोग्राम जो है आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जबकि Category 2 में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन एनी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एंड इनरोल फॉर PhD।
यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट में ही इनरोल कर पाएंगे जो कि सिर्फ डीबीटी स्पॉन्सर्ड है, जबकि कैटेगरी वन वाले कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें डीबीटी अपनी तरफ से फेलोशिप देगा, लेकिन डीबीटी टू वाले डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेलेक्शन इन कैटेगरी टू सेल नॉट लाइक ध्यान रखिएगा, सेलेक्शन इन कैटेगरी टू सेल नॉट एंटाइटल कैंडिडेट फॉर एनी फेलोशिप फ्रॉम डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम। इनको जो है कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती। मे बी इंस्टीट्यूशन सेलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे फेलोशिप मिले, वो अलग बात है, बट डीबीटी अपने तरफ से कोई पैसा नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वन वालों के लिए देगा। एंड कैंडिडेट्स डिक्लेयर एलिजिबल फॉर अवार्ड फॉर फेलोशिप जो है विल बी गवर्न बाई द डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम। इनकी गाइडलाइंस जो है इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेरियस अटेस्टेशन एंड ऑल जो है अवेलेबल है। ये है डीबीटी और आपके गैट में डिफरेंस। डीबीटी जो है, बीईटी जो है वो पीएचडी के एडमिशन के लिए किया जाता है, जबकि गैट जो है एमएससी, एमटेक या एमवीएससी एडमिशन के लिए है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या कौन सा एग्ज़ाम देना है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। चलिए एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। अगर गैट भी देख रहे हैं, गैट बी का एग्ज़ाम देना है, तो वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना हो, जो कि एनेक्सेस टू में जो है दिया गया है। मिनिमम मतलब आपके पास एक बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट्स जो है वो अवेलेबल होंगे इस कंडीशंस के लिए, जबकि बीईटी के लिए आप बीईटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है वो आपके पास बीई बीटेक डिग्री हो सकती है, एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक या कोई भी डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या किसी अदर एरिया ऑफ बायोलॉजी, मतलब आप बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जो लाइफ साइंस रिलेटेड है आप आराम से यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। ध्यान रखना कैंडिडेट्स जो हैं स्पेसिफिकली एडमिटेड इन एनी एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, एमएससी जो है प्रोग्राम सपोर्टेड अंडर डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम सेल एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसे लोग जो हैं जो कि एमएससी, एमटेक या एमवीएससी, एमएससी जो कि डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट एंड ऑल यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा जो है अगर आप डेट्स एंड ऑल के ऊपर बात करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर गैट का अलग होता है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन है जिसमें से 60 अटैम्प्ट करने हैं एक एक नंबर के, और पार्ट बी में 100 होते हैं, 100 में से 60 करने होते हैं तीन नंबर के। पार्ट बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एलाइड एरियाज, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। जबकि पार्ट ए में जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 10+2 लेवल की आती है। यह है गैट बी का सिलेबस। जबकि अगर हम क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस दिया हुआ है ब्रोशर में। जबकि बीटी का क्वेश्चन पैटर्न में सेक्शन ए में 50 से 50 करने हैं, जो कि जनरल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, इनसे आता है 50 क्वेश्चन तीन नंबर के। और सेक्शन बी में स्पेसिफिक एरियाज से और बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं, जो कि 150 में से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल पेपर 300 का होता है। इस तरीके से चीज़ें अपीयर होती है। तो मार्किंग स्कीम भी उसी तरीके से, सेक्शन ए के लिए, गैट बी के लिए एक क्वेश्चन एक नंबर का है, गलत करने पे आपको आधा नंबर काट लिए जाते हैं। जबकि सेक्शन बी के लिए ईच करेक्ट आंसर जो है वो तीन नंबर का होता है, और गलत करने के लिए एक मार्क डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो सेक्शन ए के लिए अलग कट ऑफ मतलब अलग तरीके का मार्किंग स्कीम है, और सेक्शन बी के लिए अलग है गैट बी के लिए। जबकि डीबीटी में अगर हम बीटी की बात करें, तो सेक्शन ए के लिए 50 कंपलसरी थे, जिसमें कि थ्री मार्क्स आपको मिलते हैं करेक्ट करने के लिए, और वन मार्क डिडक्ट हो जाते हैं नेगेटिव करने के लिए। सेक्शन बी में 3 मार्क करेक्ट करने के लिए और 1 मार्क डिडक्ट हो जाते हैं नेगेटिव करने के लिए। तो ये जो है पैटर्न है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन गैट बी का देखेंगे तो 14 अगस्त को ही है 9 से 12 बजे, जबकि बीटी का है 3 से 6 बजे 14 अगस्त को। तो क्लियर हो चुका होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पे अगर मैं बात करता हूँ, तो गैट बी वो लोग दे सकते हैं जिनका बीएससी या बीएससी में है। एमएससी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं डीबीटी स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो वो कर सकते हैं। एंड बीईटी वो दे सकते हैं जिनका एमएससी हो रहा है या एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं, जो पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं। सो एक एमएससी में एडमिशन के लिए है और एक पीएचडी में एडमिशन के लिए है। ये है आपका केस, गैट फॉर एमएससी एडमिशंस, एमएससी और एमटेक, एंड बीईटी फॉर द पीएचडी एडमिशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।